साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद से दुनिया वालों को काफी बड़ा झटका लगा था। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांगने वाले आज भी सोशल मीडिया के जरिए सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत जिसके मामले पर कई एजेंसियों ने जांच करना शुरू की, ऐसे में देखते ही देखते सुशांत सिंह राजपूत मामले को 7 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और सुशांत सिंह राजपूत मामले पर शेखर सुमन का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल शेखर सुमन को लगता है कि मामले को काफी ज्यादा लंबा वक्त बीत चुका है और ये केस अब सुलझ नहीं पाएगा। ऐसे में उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, सुशांत को दुनिया छोड़े अब काफी वक्त हो चुका है, हम सभी फाइनल वक्त और इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। कौन दोषी है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। हम लोग क्यों अभी भी सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए रो रहे हैं? क्या वाकई हम लोग आज भी सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ का इंतजार करते हैं? क्या वाकई कोई उम्मीद बची है? चलो हम सब मिलकर अब कल अपनी आवाज को फिर से बुलंद करेंगे। #SSRDigitalProtest। शेखर सुमन ने अपने अगले ट्वीट में लिखा कि सभी समाचार चैनल्स और प्रिंट मीडिया और सोशल के कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि वो सुशांत सिंह राजपूत मामले की फिर से सुनवाई और न्याय की मांग करें, क्योंकि न्याय न्याय नहीं होता बल्कि उस न्याय को मिलने में काफी ज्यादा देर हो रही है। मामले को काफी लंबा वक्त बीत चुका है। इस मामले पर या तो इंसाफ दो या फिर इस केस को बंद करने का समय आ चुका है। बता दें कि शेखर सुमन शुरुआत से ही सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग में जुट गए थे। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर 7 दिसंबर को सुशांत सिंह राजपूत शेखर सुमन का जन्मदिन था। हालांकि इस मौके पर किसी भी मौके को सेलिब्रेट नहीं किया, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो उन्होंने ट्वीट कर दिया था और कहा था कि वो अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे और वो चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। तो ये है असली वजह जहां पर शेखर सुमन सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं इंसाफ कब मिलेगा, और जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, और अगर उम्मीद है यहाँ पर कि ये केस सॉल्व नहीं होगा तो इस केस को बंद कर देना चाहिए, किसी का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए।